टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड कितना अमाउंट है? 45 है ना, टोटल है 45,000। उसके बाद पॉइंट नंबर वन देखो तो क्या है, ए रेंट रेट्स टैक्सेस आर एलोकेटेड इन द रेशियो 1:2:1 और प्लस 1:2:1 1:2:1 में डालने बोला है। कैसे करोगे? 1:4 डिवाइड कर दो, 4 × 4 11 250, इसको 11,250, इसको 22,500, इसको 11,250 बराबर। फिर क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट क्या है 12,000। अब पॉइंट नंबर ए में तो रेंट बोला था, पॉइंट नंबर बी में डेफिसिट था, पॉइंट नंबर सी में सेल्स बिल सैलरी था, आगे क्या पॉइंट नंबर डी में ऑल अदर एक्सपेंसेस, बाकी सारे एक्सपेंसेस जो ए और सी में मेंशन है उसको छोड़ के तब सेल्स रेशियो डालने बोला, तब सेल्स रेशियो करना पड़ेगा। सेल्स रेशियो एच एम टी, एच का सेल्स कितना था? 3,02,600, इसका 453,900, इसका 151,000, इसका कैसे रेशियो करेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ही मान पड़ जाएगा, क्योंकि 20 तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 15 का डबल है 30 और 13 का डबल है 26, मतलब इसका डबल हो है, ये वाले नंबर का डबल हो, और इसका 15 × 45 13 × 39, मतलब इसका ट्रिपल है हो, इसका मतलब 1513 × 1513 3,26,000 और ये 3 तो 2,000। तो कॉमन सेंस ऑलवेज अनकॉमन मैन, तो इस तरह से कभी रेशियो करना पड़ेगा आपको, तो 2,0 पे जो कट गया ध्यान से देखा कि भाई क्या नंबर से आएगा भाई, तो ये नंबर कर दो, बात देख नहीं रहा हमारे राखी जी, अपना देखेगी समझेगी, आवाज तो सुनाई दे रहा होगा ना कल, तो 1513 था, 1513 का डबल 13 और इसका ट्रिपल है तो 2,3,1। ओके, अगर बाय चांस हम लोग को नई लॉजिक समझाते हो कि क्या है उसका डबल ट्रिपल चौबल, तब कैसे करेंगे? कैलकुलेटर है ना, तो उसमें क्या करने हैं? ओके यहाँ सुनो, तो क्या करने हैं? इधर 3,026 है और 4,539 है और इधर 1513 था ना, वैसे छोड़ दो कुछ करो मत, अब सब टोटल करो, 3,026 प्लस 4,539 प्लस 1,513 9,078 आया, बराबर है। अब हम लोग क्या करें, 12,000 को 9,078 से डिवाइड करेंगे, जैसे इसको अभी छोटा नंबर आया बड़ा नंबर आएगा। ओके, आप देखो मैं कैसे रहेगा, 12,000 डिवाइड बाय 9,078 कितना आंसर आएगा? 132.1877 आ रहा है ना। अच्छा अब क्या करने हैं, अभी इतने बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, दो बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दो बार मल्टीप्लाई प्रेस करो, इंटू इंटू दो बार प्रेस कर दिए, अभी पहला 3,026 इक्वल टू कितना आया? 3,944 आया, 3,999 पॉइंट आ रहा ना, तो करी करो 4,000 हो गया, 3,999 आ रहा है, 0.9999 जा रहा है, तो 4,000 हो गया वो। दूसरा कुछ करो मत, 4,539 इक्वल टू वो 5,999.999 आ रहा है, मतलब 6,000 हो गया, और एक 1,513 1,999.999 मतलब 2,000 हो गया, तो ये नंबर से भी कर सकते हो। अरे अभी ये कैसे करते थे आप लोग, 2+3 = 6 ना, तो क्या करोगे आप, 6 से डिवाइड करिए जो आंसर आएगा उसको, एक बार दो गुड़े एक बार गुड़े तीन एक बार, बस इसको टोटल करो डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको एक वैसे गुड़ा करो एक वैसे गुड़ा करो एक वैसे करो, वैसे कर सकते, तो अभी बड़े नंबर तो टाइम ज्यादा लगेगा आपको।
खासा जाते तो बोले गांव से रूम क्या को घूमने गए थे रिलैक्स होने के लिए। चलिए 2 3 1 कितना गया 5 6 6 3 12 तो ये गया 4000 2 3 6 2 1 2 क्या गया सैलरी का है क्या डिस्काउंट का फिर एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट कितना अमाउंट है 34500। अब उसके एडवर्टीजमेंट का पॉइंट नंबर वन में था नहीं पॉइंट नंबर बी में नहीं था सेलर तो इसको भी क्या करेंगे सेल से सबको बोला है सेल से बना लीजिए 2:3:1 करो 6×5=30 6×7=42 6×5=30 क्या गया 11,500 है ना हाँ। क्या ये कितना जाएगा भैया अरे 16,000 17,250 देती मेरे को 5,750 करोगे 34,500 × 6 तो आ गया 5,750 एक बार इंटू टू करो क्या आ गया 500 ओके उसे एक बार इंटू थ्री करो 17,250 फिर क्या है ट्रेड एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंस कितना अमाउंट है 9,000 इसको भी 2:3:1 में 6×2=1,500 15×3=45 15×15 ट्रेड के बाद क्या है डेप्रिसिएशन नीचे देखो कोई खड़े गया डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 है ना क्या बोला था इक्वल ना कुछ पॉइंट नंबर टू ओके पॉइंट नंबर टू इक्वली कितना कितना आएगा चलते 5×5 दो लोगों थोड़ी अलग तीन लोग ना तीन हिस्सा करना है वो सियाणी है दो ही गुप्ता लोग बांटेगी इसको नहीं बांटेगी दिगाम गुप्ता ही नहीं बस आप मिला कुछ बस आप बांट लेगा मेहमान आए थे फूफा मौसा 100 रुपया दिए बोले तीनों बांटना हमने दो ही बांट लिए देन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कितना 18,300 है इसको भी क्या करेंगे कौन से सुना रहे हैं मायका बोलने के लिए क्यों उसने ए से सी को छोड़ के बाकी सबको बोला सेल्स बढ़ाने के वही ना चलो 6×6=30 3,050 तो हो गया 6,100 9,150 और 3,050 कैरेज आउटवर्ड कैरी आउटवर्ड कितना 6,600 इसकी कौन सा सुना रही है चलो 6,122,3,300 और 1,100 हो गया और सब नेट प्रॉफिट दिया नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा वो अपने अपना आंसर आएगा ओके इस तरह से ही करना है आपको अभी और लगेगा बट वो इस तरह का डिवाइड करना है आपको सामने पेपर में आएगा नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा इस तरह दिया रहेगा फिर कैरेटी नोट को कौन से रेशो डिवाइड करोगे दिया रहेगा तो उस रेशो करेंगे नहीं बोला रहेगा तो आपको मैं कल जो लिख के दिया हूँ सर वो याद कर रहा है अरे क्योंकि वो याद नहीं रहा तो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं कर दो जल्दी करो तो 10,81,800 3,37,600
5,17,000 2,26,300 बराबर है ना। बोला तो मेरे को कब बोला लो बच्चो 5,70,900 अभी कितना हो गया 8,65,800 जीरो पड़ गया 2,16,000 खर्च क्या थे भाई 10,81,800 माइनस 1,32,800 माइनस 7,33,000 2,16,000 3,37,600 माइनस 2,24,000 2,69,000 68,600 है। कोई पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं ना अगला सवाल से करूंगा नहीं टोटल आपका करने का 2,16,68,600 1,02,900 और 44,500 बराबर। आप लोग पहले मेरे को ये चार कॉलम पर टोटल रुपये डालो ये सब कॉलम पर टोटल दे दी नहीं बता लापा का हो गया 1,05,000 प्लस 12,000 प्लस 34,500 प्लस 24,000 प्लस 18,300 प्लस 6,600 2,04,000 15,000 11,250 + 15,500 + 8,000 + 8,300 14 को मालूम है लास्ट वन हो गया 42,600 प्लस 23,250 23,250 उसके बाद 9,500 9,150 प्लस 99,97 ये छोटा बराबर है कि चार चले ले ये देखिए आया नहीं आया चलो अभी 2,04,000 ये 2,16,000 ज्यादा है 2,16,000 माइनस करो 15,600 बराबर है। दूसरे वाले का 68,600 हाँ तो बंदरी अभी ये साइड ज्यादा है वो साइड क्या होगा लॉस आया उधर लिखना पड़ेगा थर्ड वाला 1,02,900 1,02,900 200
12×7 = 5 5200 अगर कोई इधर 44,650 आ रहा है 44,500 ज्यादा है 44,650 से लड़ाई तो 150 ओके और इसको बोलिए नेट प्रॉफिट और वो लॉस होएगा नेट लॉस बाकी सब गेट लॉस आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग क्या करने हैं ये दोनों ऐड करो 10,550 प्लस 5,200 15,750 आ रहा है और उधर देखो 150 लॉस हुआ है उसमें 150 लॉस का प्लेस कर दो 15,600 उधर देखो कितना आंसर देने पर भी 15,600 दिया ना अगर तीनों प्रॉफिट इधर पे तीनों आया तो तीनों का ऐड कर लेने इसलिए आपका 5,500 लॉस में आ रहा है दोनों का ऐड करो उसमें से उसको क्या करना है लेस करना ठीक है इसमें तो बस आप पट्टा